का सख्ती से अनुपालन हो, इसको निरंतर मॉनिटर कर रही है। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 26 अप्रैल तक देश में लगभग 80% से अधिक गेहूं की खेती की कटाई हो चुकी है। 2000 से अधिक मुख्य मंडियां यानी 80% मंडियों का संचालन प्रारंभ हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद एवं बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2,825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों से, ईंट भट्टों के संचालन से और सड़क परियोजनाओं इत्यादि के प्रारंभ होने से स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को फिर से रोजगार मिल रहा है। ये आवश्यक है कि इन सब कार्यों को करते हुए हम सावधानी बरतें, राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना तथा स्वच्छता नियमों का और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना। जैसे मैंने आप सबके साथ साझा किया था, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों ने संबंधित राज्यों में पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी स्पेशलिस्ट थे। उनकी एक्सपर्टीज हम राज्यों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर COVID-19 के नियंत्रण में सफलता पा सके। आज मैं 2 टीमों के फीडबैक के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। पुणे में IMCT ने विस्तृत दौरे किए हैं। उन्होंने पिंपरी, चिंचवाड़, खरलवाड़ी और बारामती कंटेनमेंट जोन्स के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के शेल्टर कैंप्स, सब्जी बाजार, PDS की दुकानें, जिला परिषद का कंट्रोल रूम, नगर निगम का वॉर रूम, अस्पतालों इत्यादि का दौरा किया है। IMCT ने पाया कि पुणे में COVID-19 का डबलिंग रेट 7 दिन है, जो बाकी देश की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, और जहां देश में 23 सैंपल पर कोविड पॉजिटिव केस का एवरेज है, वहां पुणे में 9 सैंपल पर कोविड पॉजिटिव केस है। IMCT ने सुझाव दिया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों की पहचान तेजी से की जानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़ानी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी तेजी लानी चाहिए, और जिससे कि हम ये कार्य पूरा कर सके। स्लम्स में, बाजारों में और अन्य स्थानों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहां प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। स्लम्स में होम क्वारंटाइन के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बढ़ावा देना जरूरी है। डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिक स्टाफ, पुलिस अधिकारी, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले दुकानदार और फल सब्जी के विक्रेता में भी कई लोग के कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंताजनक है, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन बहुत से लोगों से संपर्क में आते हैं। IMCT ने सुझाव दिया है कि इन वर्गों में प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे अनजाने में ही कोविड संक्रमण के कैरियर या सोर्स ना बने और स्वयं की भी सुरक्षा कर पाए। IMCT ने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के गृह मंत्री जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी VC पर विचार विमर्श किया। अब मैं आपको जयपुर की IMCT के बारे में बताऊंगी। जयपुर की IMCT ने पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन सेंटर्स, कंटेनमेंट जोन्स
और मजदूरों के लिए स्थापित रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। उन्होंने मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दिया कि वॉल्ड सिटी में शाम को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए कि राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और भी व्यवस्थित हो, क्वारंटाइन कैंप्स को आवासीय क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने टेस्ट के रिजल्ट्स की गति बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि गैर कोविड अस्पतालों की भी पहचान की जाए ताकि लोगों को अन्य चिकित्सा सेवाओं की सुविधा मिल सके। IMCTs ने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पाया कि स्थानीय प्रशासन लगन और निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इन सुझावों से स्थिति को बेहतर बना सकेंगे। COVID-19 की चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे अगर लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब नियमों का पालन करें और सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल से अगर हम देखें तो भारत में 1,396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कन्फर्म केसेज टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज़ कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटका में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं, वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और SPS डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश ना करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है, जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें, परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। आज इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं एक और मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें सबका साथ चाहिए, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे मन में फियर या पैनिक घर कर लेता है और जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ स्टिग्मा एसोसिएट करने लगते हैं, हम उन्हें स्टिग्माइज करते हैं, हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी लड़ाई बीमारी के साथ है, ना कि बीमार व्यक्ति के साथ। इस स्टिग्मा के चलते हुए कई बार पेशेंट्स भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं। इससे ना केवल उस पेशेंट को हार्म होता है, उसकी फैमिली को हार्म होता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान होना संभव है। ज़रूरत है कि हम पेशेंट्स का साथ दें, उसके साथ खड़े हों और उसका सपोर्ट बने।
हमें मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को फैलने से रोकना है। कोविड 19 के स्प्रेड के लिए किसी भी कम्युनिटी या एरिया को लेबल नहीं करना है, खास करके हेल्थ केयर और सैनिटरी वर्कर्स या पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टिग्मा के इस डीप रूटेड इशू को एक इंटेंसिव कैंपेन के माध्यम से आज हम सबको मिलकर एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं वह कोई ट्रांसमिशन नहीं करते, बल्कि वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हीलिंग के लिए, कि अगर उनका प्लाज्मा थेरेपी, जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर वह सक्सेस होता है तो उनकी एंटीबॉडीज से और बीमार लोगों को हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आज ज़रूरत है कि हर यूथ ग्रुप, हर एनजीओ, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर पंचायत लीडर, ग्रास रूट में काम करने वाला हर मनुष्य वह खड़ा हो, वह आगे आए और कम्युनिटी में इस बिहेवियरल चेंज के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये लड़ाई पेशेंट्स की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे चैंपियंस हैं, हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, तो क्योंकि नहीं तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। इस निस्वार्थ रूप से जब वह हमारी सेवा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, तब ज़रूरत है कि हम उनके सपोर्ट के लिए खड़े हों। हम उनको जैसे अब तक हमने जनता कर्फ्यू और अदरवाइज भी उनको हमने जिस तरह से सम्मान दिया, वह सम्मान हमारा कंटिन्यू रहे। और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे हमारे जवान, चाहे वह पुलिस हो या अर्धसैनिक बल के जवान हो, कैसे वे अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि हम उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें उचित सम्मान दें। मुश्किल कितनी भी गहरी हो, डरना हमें जचा नहीं, डर के आगे घुटने टेके, ऐसे मरना जचा नहीं। आंधी हो या तूफान हो, चलना अपना मकसद है, गहरा हो कितना भी अंधेरा, हमें ठहरना जचा नहीं। देश पर जब भी संकट के बादल घिरते हैं, देश के जवान एक सुरक्षा ढाल बनकर हर आपदा के सामने खड़े हो जाते हैं। ये शूरवीर कोविड 19 के खिलाफ जंग में भी अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। चाहे क्वारंटीन सेंटर्स के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो या लॉकडाउन का पूरी मुस्तैदी के साथ पालन कराना हो, अपना हर फर्ज पूरी शिद्दत के साथ ये कर्मवीर निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर सुरक्षा कर्मी, पुलिस के जवान, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान राष्ट्र सेवा में जुट गए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क की जरूरत हर जगह पड़ रही है। ये जन सेवक न केवल खुद मास्क मुहैया करा रहे हैं, बल्कि कई जगह तो खुद पुलिस कर्मी इन्हें बना रहे हैं। न केवल जरूरी चीजें मुहैया कराने में और सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद बनाने में इन पुलिस कर्मियों और जवानों ने मिसाल पेश की है, बल्कि उससे भी एक कदम आगे जाकर कई पुलिस कर्मी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। फिर वो चाहे लॉकडाउन में किसी मासूम बच्चे के लिए जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेजना हो या फिर गीत गाकर लोगों की हौसला अफजाई करनी हो। इंदौर के पास राव में 13 साल की स्नेहा अपने जन्मदिन पर अकेला महसूस कर रही थी। स्नेहा ने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया। इसकी जानकारी फ्लैग मार्च कर रहे 10 जवानों को लगी तो वे उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर ही पहुंच गए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसके साथ केक काटा और स्नेहा को शुभकामना संदेश भी दिए। हमेशा मैं अपना बर्थडे मेरे घर परिवार के साथ बनाती हूँ, तो मैंने एक बार राव थाने पुलिस को फोन किया और वो मेरे एक बार बुलाने पे यहाँ आए और मेरा जन्मदिन उन्होंने बहुत यादगार बनाया, इसलिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। हम वहाँ सोशल डिस्टेंस बनाते हुए पहुँचे, टीम पहुँची हमारी, और टीम ने बच्ची को उत्साहित करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट किया। सामाजिक चेतना लाने में भी ये जन प्रहरी पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। नागपुर में पुलिसकर्मी एफजी यानी पुतलों के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के एक पुलिसकर्मी ने कर्तव्य निष्ठा की नजीर पेश की है। महाराष्ट्र के जालना जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर हेलस गांव में एक पुलिस निरीक्षक ने चालक के नहीं आने पर खुद ही ग्राम पंचायत का ट्रैक्टर चलाकर गांव में दवा का छिड़काव किया और गांव सैनिटाइज कर कोविड 19 को खत्म करने में अनोखी प्रतिबद्धता दिखाई।
चंडीगढ़ में सीआरपीएफ के जवान जरूरतमंद परिवारों को खुद खाना बनाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना संकट के समय पुलिस कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। फिर वो चाहे गर्भवती स्त्रियों को ठीक वक्त पर अस्पताल पहुंचाना हो, दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंद औरतों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना हो। यही नहीं, कई पुलिस कर्मियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े ही रचनात्मक तरीके अपनाए। कोई यमराज बनकर सामने आया तो कहीं कोरोना से बचने के लिए पुलिस कर्मियों ने बड़े ही खास अंदाज के हेलमेट पहने। वहीं भारतीय नौसेना ने भी मुंबई में ईरान से आए संक्रमितों को सफलतापूर्वक क्वारंटाइन कराने में मदद की। उनकी हर जरूरत का बेहतर ढंग से इंतजाम किया ताकि उनका हौसला ना टूटे। साथ है पुलिस फोर्स, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान कोरोना वॉरियर्स बनकर भी अपना फर्ज पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ये रात दिन अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, हम महफूज रहें। इन महान शूरवीरों को देश का नमन। आज जरूरत है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि हम अपने आप को बचा सकें, अपने पेरेंट्स को बचा सकें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बचा सकें। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे शब्दों को ही दोहराना चाहूँगा, COVID-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर्स बिफोर स्ट्राइकिंग। आर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयर आफ्टर शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। वी आर इन दिस टुगेदर। धन्यवाद। धन्यवाद। Friends, today we have with us chairman for the Empowered Group 5. So I'll request sir to brief you about the Empowered Group 5. Namaskar, mera naam Parmeshwaran Iyer hai aur main Empowered Group 5 jo ki supply chain aur logistics of essential items par focus karta hai uska main convener hu aur aaj is presentation mein मैं आपको जो अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाऊंगा। इसका अगर आप एक स्नैपशॉट देखेंगे, इम्प्रूवमेंट इन की सप्लाई चेन इंडिकेटर्स फ्रॉम द 30th of March, डे आफ्टर द ग्रुप्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, टू 25th April, दिस इज द लेटेस्ट डेटा। इफ़ यू लुक एट ट्रक्स मूविंग फूड एंड फार्मा, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मोबिलिटी का, it was about 46% and it has gone up to 76 and it's increasing rapidly. So there has been significant improvement in movement of food and pharma, two of the most essential items. Railways has done a tremendous job also. Aur agar aap rakes movement dekhenge, you will see it has gone up on this date. It was less earlier, from 67% on 30th March to almost 80%, it's closing at 76% as on 25th April. Ports, another critical junction point for logistics, imports, exports. Percentage of traffic handled by ports was at about 70% on 30th March. And in fact, it had gone up even higher. So it's fluctuating between 87 and 90%. So it's almost back to normal. On mandis, which are major places where trade of agricultural produce takes place, it was about 61% on 30th March, and it's almost 80% now. So this is giving you a snapshot of the significant progress made on essential supply chain items. This is just a quick snapshot of what does the Empowered Group focus on. Hamara jo group hai, एक तो जो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स हैं उनको ईज करना, ट्रबल शूट करना, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवेज हो, पोर्ट्स, ट्रैफिक, मंडीज, फूड प्रोसेसिंग, वी वर्क वेरी क्लोजली विद देम एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वी ऑल्सो कंसल्ट विद स्टेक होल्डर्स फ्रॉम आउटसाइड, इंडस्ट्री, फूड, फार्मा, ट्रांसपोर्टर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड मंडीज। वी ट्राई टू कवर ऑल द की स्टेक होल्डर्स, उनको उनसे हम कंसल्ट करते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, एंड देन वी फैक्टर दैट इनटू रिकमेंडेशंस व्हिच वी मेक। स्पेसिफिक बॉटलनेक्स को ट्रबल शूट करना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नासिक में द अनियन मंडी हैड अ प्रॉब्लम व्हेन वन पर्सन वाज टेस्टेड पॉजिटिव, सो वी वर्क विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, विद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एंड देन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर मेड, एंड देन ट्रैकिंग की इंडिकेटर्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया,
और डिसेमिनेटिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सप्लाई वॉरियर्स. अभी लव ने पुलिस के बारे में एक आपको अच्छा वीडियो दिखाया. देर आर अ नंबर ऑफ सप्लाई एंड कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट के हों, ट्रक ड्राइवर्स हों, अनलोडर्स हों, ऑर्डिनरी पीपल हु आर परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, उनके स्टोरीज हम शेयर करते हैं एंड अदर स्टेट्स लिसन एंड लर्न फ्रॉम दोज स्टोरीज. These are some specific examples which have been done over this period to ease the supply chain of essential items. These are examples jo ki hum home ministry ke sath bahut hi closely coordinate karte hain. Movement of vehicles. Very early home ministry made it clear there was no difference in movement between essential non essential. Dusra bahut hi important step home ministry ne liya tha ki truck driver ke liye aapko keval driving license dikhana hai. You don't need to show any pass. Plus, two others will be allowed. Empty trucks were also allowed. Because there was some issue initially ki empty truck lot raha hai, is there a problem? That was also allowed. Movement of workers and truck drivers. This was a major issue in the initial days. So movement of labor to and from residence is allowed with a pass. And railway, airport, seaport and customs can issue passes themselves in consultation with the local authorities. So these have been progressively relaxed, and despite the lockdown, all these are examples of specific relaxations which have enabled the supply chain and logistics sector. Distribution and availability of food. So farming operations have, of course, allowed, including rabi harvesting. Post 20th April, as you can see, as per the guidelines issued by MHA, again, the supply chain was supported through softer elements. Dhabas are now functioning, repair shops for truck drivers, and of course, operation of mandis, which is a very important part of for the farmers to sell their produce, and manufacturing units. In fact, the entire manufacturing supply value chain, chahe wo manufacturing ho, distribution ho, packaging ho, and all ancillary activities. So the forward and backward industry linkages were operationalized. Food processing specifically, particularly in relation to the farmers, and packaging unit operations were also allowed. So progressively, despite the lockdown conditions, the supply chain started increasing very consistently and has made good progress. These are some examples of which government institutions who are working round the clock to make essentials accessible to all. As all of you know, Honorable Prime Minister also mentioned many of these in his Mann Ki Baat address on Sunday. You take parcel trains by the railways. This has been a very, very successful operation at great effort by the railways. So 109 timetable parcel trains over 58 routes are running by the railways. They're carrying more than 400 rakes day and night, carrying food grains and other essential items. The IRCTC is serving 2.5 lakh meals, and they are willing to take this up even further across all four railway zones. 392 lifeline Udaan flights by the airlines are carrying 700 plus metric tons of essential cargo operated till date, and this is continuing. They are operating nationally and internationally for the supply chain. Medicines, 100 plus metric tons of medicines have been delivered by India Post. They're also taking food packets, and payment and DBT worth over 730 crores have been made by India Post. These are only some of the examples which many of the institutions are carrying out, but there's been a phenomenal effort at all levels of the supply chain operation. Aur ye hamare jo stories from the ground hain, unke kuch examples. Telangana mein 8 Anganwadi teachers, they formed a community kitchen and are feeding migrants. There's a huge effort going on feeding the migrant workers. I'll come to that in my next slide. If you look at Jharkhand, a state livelihood promotion society is ensuring the supply of fresh vegetables to doorstep. In fact, Ahmedabad started a vegetable on wheels where the municipal corporation started delivering food to doorstep as well, which became a best practice example. And the Indian Air Force, an example of Operation Sanjeevani, which is an 18-hour operation where it airlifted 6.2 tons of essential medicines and consumables with its C-30 Hercules transport aircraft and took it all the way to the Maldives. They're operating also to remote areas like Ladakh as well. Some of the
key supply chain indicators I want to come back to. And the indicators jo food supply se related hain, they are seeing a consistent positive trend. If you look at prices of top, tomato, onion and potato, they have been largely stable during the lockdown. If you look at Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and the National Food Security Act, under which 5 kilograms of wheat and rice and 1 kilo pulses have been distributed on a large scale, about 85 lakh metric tons are allocated per month for a total of 70 crore beneficiaries. This has been done. Cooked meals, this is extremely important, largely due to government and NGO partners and industry. This is a huge effort. Aap dekhenge ki 1.5 crore logon ko daily cooked meals diya ja raha hai. And this has been going on for a long time, for the last month or so plus. So this has been a huge effort, a collaboration between government, between the NGOs, the private sector. Every district has a nodal officer to coordinate with NGOs. Ek district ka nodal NGO bhi hai, and they are fulfilling this task as per the requirement on a daily basis. If you look at supply of milk and LPG cylinders, this is almost the same as pre-lockdown levels. So there's been very little disruption. In fact, they have met all their targets. So finally, I just wanted to show you a portal our Empowered Group is operating together with Agriculture Department, which is a platform for supply of excess produce. So we have very close coordination with the resident commissioners of all state governments. Unke saath hum barabar milte rehte hain through video conferencing. Unke requirements hum troubleshoot karte hain. And wherever they have states which are supplying, jaise Telangana, Andhra supplying mangoes, we are connecting them with states which will purchase them. There were mandis as well, which were troubleshoot. For example, the Nashik Mandi, Azadpur Mandi is now running on a 24/7 basis. So in addition to that, we are also connecting supplying states with buying states. So these are just some examples of the work we are doing with state governments and other departments and private people. And the supply chain and logistics chain has been well maintained. I think significant progress has been made by all the stakeholders. I just wanted to share these details with you. Thank you.